सो माय डियर फ्रेंड्स, ये फ्रंट का मैंने कपड़ा बिछा लिया है पैंट का, क्योंकि ये वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि बैक का कटिंग किस हिसाब से करना है। क्योंकि किसी मेरे भाई बंधु ने कमेंट किया था कि सर बैक का कटिंग में कुछ डाउट है, कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा, तो कृपया करके आप इसी के ऊपर थोड़ा सा डिटेलिंग बता दीजिए। तो आज के इस वीडियो में केवल और केवल मैं बैक का ही वीडियो डालूंगा। मैंने फ्रंट का बना लिया है, वीडियो मैंने नहीं बनाया, लेकिन फ्रंट के निशान लगा के मैंने ये कर दिया, लेकिन ये वीडियो केवल और केवल बैक के ऊपर है। ठीक है, अब बैक को किस हिसाब से रखना है। ये कपड़े का लेयर आ गया नीचे, ठीक है, जो जिसके ऊपर हमने बैक कटिंग करना है, और फ्रंट को ऊपर इस हिसाब से रखना है कि यहां पर अप्रोक्सीमेटली 3 इंच कपड़ा छोड़ देना है उस तरफ। ठीक है, फिर आपने वहां से रखना है इसको। अब यहां पर ये देखना है कि ये वाला कपड़ा नीचे वाले कपड़े के ऊपर सीधा रखा हुआ है या नहीं। वो कैसे चेक करते हैं, वो ऐसे चेक करते हैं, ये जो हमारा कपड़े का फोल्ड है, यहां पर एल स्केल को इस तरह से स्ट्रेट रख लेते हैं, यानी कि सीधा 90 डिग्री पे यहां पर इस तरह से रख लेंगे। क्लियर। और ये जो निशान है हमारा, लाइन है, ये देख लो, ये एल स्केल पर सीधी आ रही है, तो बिल्कुल सीधी आ रही है। इसी हिसाब से आपने करना है, कपड़े को इस हिसाब से रखना है। क्लियर। और यहां पर इस लाइन को हमने आगे इस तरह से बढ़ा देना है, कंटिन्यू कर देना है, और यहां से 3 सूत नीचे इस तरह से आगे एक सीधी लाइन लगाना है, और यहां से इस तरह से ऐसे टेढ़ी लाइन लगाना है। ठीक है, अब इस बैक की कटिंग में पूरा देखना, मैं एक एक फॉर्मूले के हिसाब से आपको चीज बताऊंगा, ऐसे आंखें बंद करके निशान नहीं लगाऊंगा, यहां से 2.5 इंच लगा दो, यहां से 1.5 इंच, 2 इंच लगा दो, ऐसे नहीं होगा मेरे भाई। हर चीज का एक फॉर्मूला होता है। तो मेरे वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने को नहीं मिला ना, तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगर सीखने को मिला और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हो। यहां पर ये 2-3 जो मैंने लाइन लगाई हैं, इसी तरह ये जो बॉटम का लाइन है, इसको भी हमने इस तरह से बढ़ा देना है आगे। ये जो हमारा नी का पॉइंट है, इस लाइन को भी आगे इस तरह से सीधा बढ़ा देना है, और ऊपर यहां पर ये जो हमारा एल स्केल है, इसको स्ट्रेट रखते हुए यहां ऊपर भी एक लाइन जो है वो 90 डिग्री पर इस तरह से लग जाएगी। क्लियर। ये हो गए पॉइंट जहां पे हमने ड्राइंग बनाना है, यानी कि निशान के हिसाब से हमें सारा काम करना है। अब हमारा जो कमर है वो आ रहा है 38.5 इंच कमर है इसका, पैंट का। मैं आपको साइज बता देता हूं पहले, ये आप स्क्रीन पे साइज देख लो। पैंट का लंबाई है 38 इंच, कमर है 38.5, हिप है इसका 42 इंच, और जो सिलाई का, बैक की सिलाई का जो निशान है वो आएगा 43.5 पर, और बॉटम है इसका 15 इंच, और थाई है इसका 25.5। उसके हिसाब से ही मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक, अब आपके पास साइज आ गया, आप उसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन जो है वो कर लेना। ठीक है, अब हमारा कमर है इसका 38.5। 38.5 का हाफ कितना हुआ, 38.5 का हाफ कितना हुआ, 19.5, वो आप ध्यान में रखना, 19.5। ठीक है, और ये जो हमारा निशान है थाई का, ये सबसे पहले लगेगा। थाई का निशान लगाने के लिए क्या करना है, ये जो मैंने 3 सूत नीचे निशान लगाया ना, यहां से थाई को देखना है पूरा, ये कितना है यहां से यहां तक, तो ये आ रहा है 12.5 फ्रंट का थाई, ये आ रहा है 12.5, इसमें से 1 इंच माइनस कर दिया, हो गया 11.5। 11 को किनारे पर रखते हुए, आधा इंच वाले निशान को अंदर 11.5 वाले रखते हुए, इसी लाइन के ऊपर ये जो 3 सूत नीचे की हुआ है, इस तरह ऐसे मेजरमेंट टेप को आपने रख लेना है। क्लियर। और यहां से हमने निशान कितने पे लगाना है बताओ, 25.5 के ऊपर। मैंने बताया थाईज का साइज है 25.5, तो 25.5 के ऊपर मैंने निशान लगा दिया। सिलाई का मार्जिन इस तरफ होगा, है ना,
किनारे पे सिलाई का मार्जिन नहीं आता, वो ऐसे ओवरलैप होके यहां पे चढ़ती है, इधर का सिलाई का मार्जिन हमने पहले कम कर दिया। क्लियर हुआ? अब यहां से 25.5 के ऊपर आपने निशान लगाना है और नीचे बॉटम पर, ये बॉटम पे हमारा निशान लगेगा 1.5 इंच के ऊपर। क्लियर? शेप पट्टी को पकड़ना है और शेप पट्टी की हेल्प के साथ इस वाले पॉइंट को टच करते हुए बॉटम वाले पॉइंट के ऊपर आपने इस तरह से लाइन जो है वो लगा देना है। ये देखो, बहुत सिंपल मेथड है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस वाली लाइन को हमने इस तरफ ऐसे दो सूत बाहर की तरफ टेढ़ा कर देना है, नीचे से दो सूत सीधा नहीं आएगा, दो सूत बाहर जाएगा। क्लियर? अगर आप चाहें, मैं तो वैसे ऐसे ही करता हूं, और अगर आप भी चाहें तो नीचे तक मार्जिन रख देना। उससे क्या है कि क्लाइंट को कल को लूज करवाना पड़े तो ये हमारे पास ऑप्शन होनी चाहिए उसके पास, है ना। रेडीमेड में नहीं होती, लेकिन कस्टमाइज में हम ये चीज क्लाइंट अपने को दे सकते हैं कि वो कल को लूज करवा ले। अगर आप चाहें नीचे तक नहीं मार्जिन रखना तो आप थाई से शुरू करते हुए नी पॉइंट तक भी इस तरह से आप निशान देके एक्स्ट्रा कपड़ा रख सकते हैं कल को थाई लूज करने के लिए। क्लियर? अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि आपने याद रखना है 1.25। अब ये 1.25 का खेल क्या है, कमर है 38.5। अब यहां से आपने देखा होगा बहुत से लोग कटिंग करते हैं इस तरफ, शेप जो है पैंट की वो बाहर लेके आते, ठीक है, समझ में आ गया। जो लोग कटिंग करते हैं उनके लिए, अगर वो कर रहे हैं ऑलरेडी, अभी अंधाधुंध कर रहे हैं या प्रॉपर फॉर्मूले से कर रहे हैं, गॉड नोज, मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी इंसानियत यहां पे सच्चाई जरूर बताना। अगर फर्स्ट टाइम ये फॉर्मूला देख रहे हो तो यार कमेंट में मुझे प्लीज शाबाशी लिख देना, है ना। अगर ऑलरेडी आप इस मेथड को जानते हो तो फिर आपको वो सैल्यूट है मेरी तरफ से। क्लियर? अब 1.25 आया था हमारा कमर का हाफ, 38.5 का हाफ आ गया 1.25। अब यहां से ये जो हमने थाई तैयार रखा ना 25.5, यहां पर हमने इस तरह से मेजरमेंट टेप को रख देना है और यहां पर हमने निशान लगाना है 1.25 के ऊपर। ये देखो, क्लियर हुआ? यहां से यहां तक 1.25 का निशान लगेगा, जितना हमारा कमर आता है उसका हाफ होना चाहिए ये। क्लियर? और ये जितना बाहर निकला है उतना ही शेप जो है वो पेंट का इस तरह से मिलाना है, अपनी मर्जी से इसको बाहर नहीं निकालना कि 1/2 इंच 1 इंच जितना मर्जी बाहर बढ़ाते जाओ, वो तुक्के हैं मेरे भाई। फॉर्मूला ये है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको इस फॉर्मूले से पहली बार ये चीज क्लियर हुई है तो इंसानियत दिखाना मेरे भाई, है ना। वीडियो को लाइक करना और कमेंट में शाबाशी लिख देना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह की चीजें आएंगी, ठीक है, कटिंग से रिलेटेड ही आएंगी। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, हमें बैक यहां से कितना ऊपर उठाना है, अंदाजा 2 इंच पे निशान लगा दो, 2.5 इंच पे निशान लगा दो, ये तरीके नहीं है, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से पूरा कटिंग होगा, एक पैसा भी इधर उधर पेंट नहीं होगा। क्लाइंट पहन के खुश होके जाएगा, उसको लगेगा वाकई मैं किसी अच्छे पर्सन के पास अपनी पेंट दे के आया था और उसने बहुत अच्छी फिटिंग करके दी है मुझे, वो तभी आएगा। फिटिंग सफाई काम का जितना मर्जी कर लो, कटिंग ही गलत हुआ तो क्या हो जाएगा। कटिंग में पहले परफेक्शन, उसके बाद जो है वो सिलाई में परफेक्शन। अब बैक कितना ऊपर उठेगा, ये जो हमारा मेजरमेंट टेप है इसके यहां पे बक्कल होता है, ये देखो ये बक्कल है ना, और बक्कल के अंदर ये छेद है, इस छेद को आपने इस पॉइंट के ऊपर इस तरह से रख लेना है, सेंटर पे, नी का सेंटर यहां पर इस तरह से रखते हुए इस तरह अंगूठे से दबा लेना, और मेजरमेंट टेप को आपने यहां तक देखना है कितना आ रहा है। क्लियर? तो ये आ रहा है हमारा 22.75, यानी कि 23.25।
ये जो निशान अभी लगाया ना मैंने 19.25 वाला, इसको चेक करना है ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 22.75। यहां से आपने मेजरमेंट टेप को इस तरह से घुमाना है और ये जो हमारा फ्लाई का ऊपर वाला लास्ट नोक है उसके ऊपर मेजरमेंट टेप को इस तरह रखते हुए 22.25 यानी कि 22.75 के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगाना है। यह है फॉर्मूला बैक को ऊपर उठाने का। इंसानियत फिर से एक बार दिखाना, सच्चाई फिर से एक बार दिखाना। अगर आपको फर्स्ट टाइम ये चीज पता चली है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। और अगर हो सके तो कमेंट में शाबाशी लिख देना, है ना। तो इतना लिखने में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी, लिख देना मेरे भाई, मुझे तो केवल कमेंट पढ़ना है, मुझे क्या पता आप कौन हो, कहां से हो, है ना। ये चीजें डिटेल नहीं आती, डिटेल केवल ये आती है कि इस पर्सन ने मुझे कमेंट किया है और मैं कमेंट पढ़ के थोड़ा खुश हो जाता हूं कि लोगों को मैं हेल्प कर रहा हूं, उनको समझ में आ रहा है। मेरे बताने का तरीका आपको समझ में नहीं आएगा, वीडियो बना के मैं क्या करूंगा, इनका अचार डालूंगा क्या। तरीका उस हिसाब से मैंने इन वीडियोस के माध्यम के आपके पास रखना है कि आपको समझ में आ जाए। इजी मेथड, सबको कटिंग आना चाहिए जितने भी लोग इस धंधे से जुड़े हैं, ठीक है, सबको आना चाहिए। वो एक मूवी का डायलॉग है ना, मूवी का नाम नहीं एकदम से मुझे याद आएगा, लेकिन शाहरुख खान का मूवी है और मूवी का डायलॉग है, अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, याद है आपको। तो ये जो धंधा है हमारा, इसमें बारीकी से घुस जाओ, इसमें बारीकी से घुस जाओ, आपकी जय जयकार होगी। क्लियर, अच्छे से समझो, मैं समझाने के लिए तैयार हूं, मैं बात थोड़ी रहा हूं कहीं, मैं डालता जाऊंगा वीडियो, जब तक जिंदा हूं वीडियो आते रहेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन वीडियोस को बनाने में। और सबसे बड़ी बात यह है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये लंगर जैसे वो भंडारा लगता ना, ये भंडारा चल रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि ये कितना ऊपर उठाना है। अब ये जो हमारा कमर है ये है 38.5, उसका जो है 9.5 और 1 सूत और 10.5 और 1 सूत पे आपने इस तरह से निशान लगा देना है। 1 इंच हमारा प्लेट का आ जाएगा ना, बैक पे पॉकेट के ऊपर प्लेट आ जाता है। और ये 2.25 इंच आगे की तरफ आपने इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा रख देना है, कल को कमर लूज करवानी पड़ जाए अगर तो। अब एक और फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, हिप का निशान कैसे लगाना है। जो राउंड पूरा हिप होता है ना साइज में, बिना ढीला छोड़े, बिना उंगली डाले, जो पूरा राउंड हिप होता है, उसका तीसरा हिस्सा ये आ गया और उसमें से 0.25 इंच माइनस, वो ये निशान हो जाता है। अब सिलाई का उसके ऊपर निशान नहीं लगा सकते, टाइट हो जाएगा पैंट, बैठेगा कैसे वो, उसके वो बट के अंदर घुसेगा पैंट। तो यहां से 1.5 इंच प्लस करते हैं, जितना राउंड हिप आ रहा है उसका 1.5 इंच प्लस करते हैं। अब अगर जिसने कमेंट किया था मुझे इस बारे में कि ये चीज समझाओ, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है तो वो कृपया करके मुझे दोबारा से कमेंट करके बता दे कि ठीक है, उसका ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया। हिप का राउंड पूरा साइज वो यहां यूज होगा, उसमें जितना राउंड आया है ना उसमें 1.5 इंच प्लस कर दो, वो यहां पर यूज होगा, ठीक है। पूरे में 1.5 इंच प्लस करना है, ये हाफ पे लगेगा, आपको पता है, मैं अभी बताऊंगा कैसे लगेगा। ये जो हमारा थाई का लाइन है, यहां से 3.5 इंच ऊपर इस तरह से एक निशान आपने लगा देना है, क्लियर, ये निशान लग गया। अगर आप चाहें तो इस तरह से लाइन भी यहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप लाइन नहीं लगाना चाहते तो निशान खाली लगा लीजिए। ये फ्रंट का हमने देखना है कितना है, तो ये है हमारा इन 3.5 वाले पॉइंट को टच करते हुए आना चाहिए, ये आ रहा है हमारा 11 इंच और 1 सूत, जो फ्रंट का पल्ला है 11 इंच और 1 सूत, इसमें से 1 इंच हमने माइनस कर दिया, 10 इंच और 1 सूत, आधा इंच हमने बाहर वाले पॉइंट पे रख दिया, यानी कि आ जाएगा बाहर वाले पॉइंट के ऊपर 9.5 और 1 सूत, और ये आधा इंच अंदर वाला पॉइंट हो गया 10 इंच और 1 सूत, और 3.5 वाले पॉइंट के ऊपर
हमने इस तरह से टच करते हुए मेजरमेंट टेप के साथ यहां पे हमारा पॉइंट आ जाएगा 2175। ठीक है, क्योंकि राउंड हिप आ रहा है उसका 42 इंच और सीम का 1.5 इंच मैंने बताया, प्लस करके हो गया 43.5। 43.5 का हाफ निकाल लिया, वो निशान यहां पे आ जाएगा 2175 के ऊपर। क्लियर। अब ये जो हमारा पॉइंट आया है इसको इस पॉइंट के साथ आप मिला दीजिए। इस तरह से मिलाने से क्या है कि आपको किसी भी तरह का हिप से क्लाइंट ये नहीं कह सकता कि टाइट आ रहा है या लूज आ रहा है, नहीं कह सकता। अब एक मेथड और होता है, लेकिन वो थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि वो एक अलग फॉर्मूला है। होता क्या है कि सबका बॉडी शेप जो होता है वो अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। जैसे 34 कमर वाले का जो हिप है वो 39 आ रहा है मान लो। अब ये जरूरी नहीं कि हर 34 कमर वाले का हिप जो है वो 39 आएगा, किसी 34 वाले का 36 भी आएगा, किसी 34 कमर वाले का 41-42 भी आ सकता है हिप पे। तो ये सबका मेजरमेंट अलग होता है ना, बॉडी शेप अलग होता है। तो फॉर्मूले यहां पे आके कई बार क्या होता है उनमें अमेंडमेंट करनी पड़ जाती है। अब ये जो हमारा नी का पॉइंट है, ये जितना बाहर निकला यहां पर आपने मेजरमेंट टेप को इस तरह से रख देना है। ठीक है, यहां से रखने के बाद ये जो आपने कमर का ये वाला जो पॉइंट लगाया है यहां पर आप इस तरह से निशान पकड़ सकते हैं अपनी मेजरमेंट टेप को। अब मैं निशान यहां पे लगाऊंगा। ठीक है, अब मैं निशान हल्का सा यहां पे लगा देता हूं। ये सीधा पकड़ते हैं, ऐसे सीधा पकड़ने के बाद ये जो निशान है ये यहां पर हल्का सा मैं लगा देता हूं। अब आप देखो ये 1/2 इंच अंदर निशान आ रहा है, यानी कि आधा और आधा 1 इंच टाइट हो गया है ना। ये वाला जो पॉइंट है ये अगर आप थाई के हिसाब से पैंट का कटिंग कर रहे हो फिर आप फॉर्मूला ये कर सकते हो। अगर आप हिप की साइज के फॉर्मूले के हिसाब से पैंट की कटिंग कर रहे हो तो फिर ये फॉर्मूला नहीं आएगा, फिर ये फॉर्मूला आएगा। क्लियर, क्लियर हुआ है आपको या नहीं हुआ मुझे कमेंट में जरूर बताना। एक और मैं आपको मजे वाली बात बताता हूं। कल किसी ने कमेंट लिखा हुआ था, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पर्सनली तो जानता नहीं आपको, ना आप मुझे जानते हो। उसने कमेंट किया हुआ था कि आप वीडियो बनाते समय बोलते बहुत हो। अरे मैं बोलूंगा नहीं तो म्यूजिक डाल दूं, समझाएगा कौन आपको? कमाल है यार, समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा मेरे भाई। मैं नहीं बोलूंगा आपके डाउट कैसे क्लियर होंगे, आपको कैसे पता चलेगा कोई इधर। वैसे म्यूजिक सुनने हैं वो अलग चैनल में चले जाओ, सीखना है वही लोग इस चैनल पे टिकेंगे, जिनको नहीं सीखना वो भागम भाग में रहेंगे, एक चैनल दूसरे चैनल तीसरे चैनल वो जाते रहो। मुझे वैसे पर्सन की क्लाइंट की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, किसी को फायदा दें यार, सिखाने से ये मतलब है। क्लियर। अब ये जो हमारा पॉइंट है यहां पर इस तरह से गोलाई बनाना है, ये वाला गोलाई आ गया हमारा। ये जो हमने टेढ़ा लाइन लगाया था ना, इस टेढ़े लाइन से नीचे नहीं जाना है, इस टेढ़े लाइन के ऊपर ही आपने इस तरह से इसको टच करना है। और ये जो सीधी लाइन थी हमारी, ये सीधी लाइन थी यहां से 1/2 इंच ऊपर, ये वाला निशान आपने लगाना है। ये है हमारा कटिंग का, ये कटिंग का लाइन है, ये सिलाई का लाइन। 1/2 इंच ऊपर क्यों? पैंट को कारीगर इस तरफ से पहले सिलाई करता है, पॉकेट वाली तरफ से। ठीक है, क्रॉस पॉकेट, साइड पॉकेट जिधर भी आती है, पहले इस तरफ से सिलाई करता है, बाद में इन सीम वाली सिलाई को ऊपर ऐसे ओवरलैप करके फिर सिलाई करता है। उस समय आप कपड़े को बैक को फ्रंट के ऊपर इस तरह मिला के इस तरह पैंट को खड़ा कर लेना है। ठीक है, पैंट को इस तरह से ऐसे पकड़ के यूं खड़ा कर लेना है। खड़ा करने के बाद कपड़े को इस तरह मूवमेंट करके चेक करना है कि यहां पर किसी तरह का फॉल तो नहीं आ रहा, कोई झोल तो नहीं आ रहा। यहां से अगर कपड़ा सीधा आ रहा है तो वहीं पे पकड़ के आप सिलाई जो है वो शुरू कर दीजिए। जब कारीगर यहां पे पाइपिंग लगाएगा लास्ट में
तो ये पोर्शन बाद में कटिंग हो जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा जरूर रखना चाहिए आपको कटिंग के टाइम पे। क्लियर। अब हमारा जो बैक का मार्किंग है वो हो चुका है, और जिन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से और मेरे बताने के ढंग से कुछ भी समझ में आया है वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे और आपसे कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई। वीडियो लाइक इसलिए करना है क्योंकि अगर किसी और को इन वीडियोस की जरूरत है और वो ढूंढ रहा है तो उसको भी YouTube की तरफ से ये वीडियो रिकमेंडेशन हो जाएगा। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो ये वीडियो आपके बाद आगे नहीं जाएगा, ठीक है? तो अगर आप लाइक करोगे तो जैसे मैंने आप तक पहुंचाया है आप आगे तक पहुंचाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी मेरे भाई, मुझे एक चीज चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए, बस वो लिख दो मेरे कमेंट में। बाकी मर्जी है, जिसको जो सोचना है सोच सकता है, लेकिन मैं इस तरह से वीडियो बनाने के लिए बैठा हूं और मैं बनाता रहूंगा। क्लियर। हर तरह के पैंट के अलग अलग साइज की कटिंग आएंगी, शर्ट के अलग अलग साइज की कटिंग आएंगी, वेस्ट कोट के अलग अलग साइज की कटिंग आएंगी, कोट पैंट की, पजामा की, कुर्ता की, जो भी मेंस के गारमेंट्स होते हैं उनकी कटिंग्स आएंगी। और फिर जब मेरा एक टारगेट कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं लेडीज का जितना भी कटिंग है वो भी इसी चैनल के ऊपर डालूंगा, ठीक है? जिनको लेडीज सीखना है लेडीज सीख लो, जिनको जेंट्स सीखना है जेंट्स सीख लो, तो काम दोनों ही इसी चैनल के ऊपर आएंगे। उसके लिए मैं अलग से चैनल नहीं बनाऊंगा, इतना जोर नहीं लगा पाऊंगा कि इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊं उसके लिए अलग से, है ना? तो एक ही चैनल के ऊपर मैं इस तरह से वीडियो बनाता रहूंगा क्योंकि मुझे अपना काम भी देखना है। ये तो मैं वैसे ही एक भंडारा लगा दिया है कि जो भी मेरा भाई बंधु मेरी बहन जो इस काम को सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। प्लाजो के कटिंग बताऊंगा। अभी क्या है कि बहुत लोग जो प्लाजो है वो इन सीन गिदरी वाले पॉइंट से उठता है, खिंच पड़ती है ऊपर को, है ना? वो क्यों पड़ती है? मैंने 2-4-5 वीडियो देखे हैं और क्लैरिफिकेशन किसी ने अपने वीडियो में नहीं बताई है, है ना? फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से करना है, वो चीजें नहीं बताई, बस अपना काट के वो हो गया, ऐसे करना है जी, कैसे करना है, क्यों करना है, किस तरह से करना है, किस फॉर्मूले से करना है, वो कोई नहीं बताया, ऐसे ही निकल गई। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा हुआ कुछ नहीं हुआ। जब तक आपको समझ नहीं आई तब तक फायदा क्या हुआ? तो उस तरह के वीडियो भी मैं बनाऊंगा, है ना? उसमें भी सारी डिटेलिंग एक एक चीज बताई जाएगी। तो ये बैक का कटिंग हो चुका है, बातें खत्म नहीं होंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा है और मेरा ऐसा मानना है कि आपको काफी समझ में आ गया होगा तो आपको पता है आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन गुड बाय।